और धमतरी मगरलोड से खराब सड़क यातायात की सुविधाओं से वंचित, लेकिन शिक्षा लेने करनी पड़ी जद्दोजहद। खबर मगरलोड विकासखंड के ग्राम पंचायत बिरजुली से सामने आ रही, जिसमें ग्राम गोबरा पठार के स्कूली बच्चों का भविष्य सड़क की आस में गुजरते नजर आ रहा, जहां बारिश के दिनों में पैदल 5 किलोमीटर चल कर जाना पड़ता है। साथ ही कच्चे रास्ते होने के कारण साइकिल और मोटरसाइकिल नहीं चल पाती। यहां तक कि प्राइमरी के छोटे छोटे बच्चे गहरे नाले को पार करके जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। बारिश में सड़क के ऊपर पानी होने के कारण आगमन ठप रहता है, जिस कारण बच्चे कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाते। साथ ही 5वीं कक्षा के बाद के सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए बिरजुली हाई स्कूल आते हैं, लेकिन सड़क ना होने से उनका भविष्य अंधेरे में जाते नजर आ रहा है। देखिए आगे की खास खबर। मेरा नाम नेत्राम ध्रुव है, मैं मेरा गांव गोबरा पठार और ग्राम पंचायत बिरजुली, तहसील मगर रोड और जिला धमतरी। गांव में बहुत समस्या आ रही है, रोड बहुत ज्यादा मतलब खराब है, गिट्टी मिट्टी वाले रोड है, जिससे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहां पर गड्ढे, बहुत सारे गड्ढे हैं, जिससे बच्चे के कभी कभी साइकिल बिगड़ जाता है, पंचर हो जाते हैं। तो बीच में 5 किलोमीटर की दूरी में एक भी गांव नहीं है, एक जंगल से घिरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ स्कूली बच्चों की नहीं, सभी नागरिकों को बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत हो रहा है। बहुत ज़्यादा वर्षों से हम मांग करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक, धन्यवाद। मैं ग्राम गोबरा पठार में रहता हूँ और मेरा पंचायत बिरजुली है, और मैं बिरजुली स्कूल में पढ़ता हूँ, और मुझे आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, जहाँ हमारे रोड बहुत ख़राब हैं, किलोमीटर पड़ता है जो बहुत ख़राब है रोड, और गिट्टी हुई से स्कूल नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ नाला रपटा है, जहाँ पानी गिरता है तो बहुत चलता है नाला। खबर भारतवर्ष के लिए मगरलोड धमतरी छत्तीसगढ़ से नीलाब शुक्ला की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।